कि आप देख सकते हैं कि आज हम सैयद मेहदी हसन के पास इंटरव्यू के लिए आए हैं, जो कि सनराइज में सेलेक्टेड हुए। जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, ऊपर वाले कारणों से काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है मेरी लाइफ में। मेरी शुरुआत हुई थी 9 साल की उम्र में, जब मेरे वालिद साहब मुझे एडमिशन किया थे क्रिकेट एकेडमी पे। फिर मैं काफ़ी साल खेला और जूनियर लेवल स्टेट खेला, फिर अंडर 23 के लिए हैदराबाद। फिर 2010 में जब मैं 20 साल का था तो मेरा रणजी ट्रॉफी टीम में सिलेक्शन हुआ, और वहाँ पे अच्छी सफ़र रही। वहाँ से भी इंटरेस्टिंग 6-7 साल खेले मैंने रणजी ट्रॉफी। फिर पिछले 2-3 साल से मेरा परफॉर्मेंस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छा था। तो फिर लास्ट ईयर भी मैं काफ़ी क्लोज था आईपीएल के लिए, मेरे नज़रों में मैं काफ़ी क्लोज था। मगर ये साल भी उम्मीद थी, ये साल भी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। और मैं शुक्र मना, आई वुड लाइक टू थैंक वीवीएस लक्ष्मण सर, जो इतना कीनली ही मस्ट हैव वॉच्ड द परफॉर्मेंस। और आईपीएल में भी उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए सिलेक्शन में। आई थिंक उनका काफ़ी बड़ा हाथ रहा है मेरे सिलेक्शन में, तो मैं उनको दिल से तहे दिल से शुक्र करना चाहूँगा कि वो इतना सपोर्ट किए, वो मुझ पर इतना ट्रस्ट किए हैं। तो अभी है फिर ऐसा आईपीएल, फिर मेरी तैयारी भी चल रही है, तो अभी देखते हैं आगे जाकर क्या होता है। जैसे कि आपका जो बैकग्राउंड था, तो व्हाट अबाउट दैट? जी, मेरे घर वालों का काफ़ी योगदान रहा है जी, स्पेशली माय फादर, जो बहुत ही मेरे पीछे इतने साल, जब मैं छोटा था स्कूल में तो वही मुझे मैचेस को लेकर जाते थे, दिन भर छुट्टी लेकर मेरे मैच को पूरा मेरे को लेकर जाते थे और मैच में बैठते थे। काफ़ी बार तो धूप में बैठते थे अगर शेड नहीं होता था तो। और उसके बाद भी मैं जैसा बड़ा हुआ, वो उनका सुपरस्टिशन बन गया था कि वो मेरे मैचेस को ना आए तो मैं अच्छा खेलूँगा, ऐसा एकदम हो गया था उनका सुपरस्टिशन। तो वो घर पे बैठ के फ़ोन पे पूरे अपडेट्स देख लेते थे हमारे मैच के, बॉल बाय बॉल अपडेट देखते थे, लाइव स्कोर्स ऑनलाइन। वो तो पापा का बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा है कि बहुत हेल्प किया है, वो हमेशा पॉजिटिव बात करते रहे मेरे लिए। और मम्मी की दुआएं और मेरे भाइयों का साथ भी बहुत रहा है। तो आपका जो करियर था, जो जहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आपके जो पहले कोचर थे जी, तो वो कौन रहे? जी, जो मेरे पहले कोच है जी, तो मैं जो अकेडमी में जहाँ मुझे एडमिशन मिला, मेरे वालिद किए थे, वो था अर्शद देव क्रिकेट अकेडमी। मुझे याद है मैं 1999 अप्रैल में ज्वाइन किया था अकेडमी, और आज तक वो है मेरी दूसरा घर कहता हूँ मैं उसको। वो अकेडमी पे मैं आज भी जाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरा पूरा फाउंडेशन उधर ही हुआ है, अर्शद सर के अंडर। अर्शद अयूब सर मेरे पहले कोच रहे हैं और अभी तक वही मेरे सबसे मेन कोच है मेरे वो। और इस साल भी सीजन से पहले ऑफ सीजन में, जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है प्लेयर्स के लिए, उसमें वो अपने उतने बिजी शेड्यूल में से भी मेरे लिए काफ़ी टाइम निकालते थे रोज़, और बहुत वर्क किए थे वो मेरे बॉलिंग एक्शन पे इस साल। और बहुत ही चीज़ मेरे में बहुत डिफरेंस आया बॉलिंग में उनके साथ इतना काम करने के बाद या ऑक्सीजन में। तो वो रहे मेरे पहले कोच, अभी तक भी वही है। और साथ में काफ़ी दूसरे कोचेज भी है जिसका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है, मगर जैसा आपने कहा पूछा था कि पहले कोच, तो ये थे मेरे पहले कोच। तो इसके बाद अपना स्ट्रगल, मतलब जो ये करियर, जो लाइफ आपका स्टार्ट हुआ, तो क्यों, मतलब मैं मैचेस में सेलेक्ट होऊंगा या मैचेस में मैं मेहनत करके आगे बढ़ूंगा, तो ये कब से आपको क्या है आपका एम, क्या है आगे का आपका? जी, जब शुरुआत करता है जो भी क्रिकेट खेलना है, तो उसका सबका यही होता है कि मैं एक दिन अपने कंट्री के लिए, इंडिया के लिए खेलूंगा मैं। सबका तो यही गोल होता है, मेरा भी यही गोल था। और मंजिल इतिहास नहीं है, तो मैं आई बिलीव कि मंजिल तो इम्पोर्टेंट है, मगर उसके साथ उसकी जो जर्नी है वो और अहम है। और मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही सो है, और क्रिकेट ऐसी चीज़ है, सब जानते भी है कि अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही है, तो डाउन्स भी काफ़ी रहे मेरे कैरियर में। मगर डाउन्स में जब आप जाते हैं, तो जब भी आपको पता चलता है कि आप ऊपर आओगे तो आपके लिए क्या इंतज़ार कर रहा है। लास्ट टाइम पे सेलेक्टेड हुए थे क्रिकेट प्लेयर्स तन्मय अग्रवाल, सिराज जी, और काफ़ी लोग आपके साथ ऑलरेडी जूनियर या सीनियर भी रह चुके जी, हैं जी, जी। सो क्या कहना है उनके बारे में? इस साल आईपीएल में हमारे हैदराबाद की रणजी ट्रॉफी टीम से 4 लोग सेलेक्ट हुए जी। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मैं हूँ, और हमारे कैप्टन अंबती राइडू जो कि इस साल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे, वो तो बहुत ही बड़े प्लेयर है, और उनके बारे में तो अल्फाज नहीं है मुझे कहने के लिए, वो कितने ग्रेट है एज ए कैप्टन, एज ए पर्सन, एज ए क्रिकेटर।
और दूसरे है तन्मय अग्रवाल जो लास्ट ईयर भी सनराइजर में थे, 11 में नहीं खेल पाए, इस साल भी है वो है मेरे साथ सनराइजर टीम में। वो बहुत ही प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है, ओपन बैट्समैन है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका रणजी ट्रॉफी में पिछले 3-4 साल से। कम उम्र के भी है वो, बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर है। और है मोहम्मद सिराज जिसको तो आप लोग जानते हैं, जो इंडिया को भी रिप्रेजेंट किए हैं माशाल्लाह से इस साल, और बट वो खेलेंगे, वो बैंगलोर आरसीबी के लिए खेलेंगे सिराज इस साल। तो ये आपके जूनियर थे या सीनियर सिराज साहब? सिराज जो है काफ़ी बाद आए हैं मेरे रणजी ट्रॉफी टीम में, वो 2 साल पहले आए, मगर वो इंडिया खेले हैं, तो जो इंडिया खेलता है इंसान वो स्पेशल होता है, तो शायद उसमें काफ़ी स्पेशल चीज़ थे जो उसको आगे लेकर गया है। उसके अंदर काफ़ी स्पेशल चीज़ें हैं, जैसा मैंने कहा है कि जो उसका परफॉर्मेंस और उसका एटीट्यूड इतना अच्छा रहा है और इतनी अच्छी क्विक बॉलिंग डालता है, क्विक बाउंसर्स, क्विक यॉर्कर्स डालता है, जो काफ़ी इंप्रेस किए, तो इसलिए वो एकदम 1-2 साल में आगे निकल गया। तो आपका स्पेशल लाइक बॉलर या फिर मतलब किस चीज़ में आप परफेक्ट हो, मतलब इंडिया के लिए आगे कल के दिन आपको चांस मिलेगा जी, तो आप कौन सी चीज़ पसंद करेंगे ज़्यादा, बॉलिंग या फिर बैटिंग? जी आज के ज़माने में क्रिकेट इतना इवॉल्व हो गया है कि आप 3 होते हैं बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, तो आपको 3 में से 2 में तो परफेक्ट होनी ही चाहिए और तीसरी चीज़ भी आपको अच्छी होना चाहिए। तो जैसा कि मैं बॉलिंग में अच्छा हूँ, स्पिन डालता हूँ लेफ्ट आर्म, तो फील्डिंग भी ठीक ठाक करता हूँ, बैटिंग भी ठीक ठाक करता हूँ, तो मेरा यही फोकस रहेगा कि अगर मैं इंशाल्लाह कल के दिन इंडिया खेलूँगा तो मुझे एक ऑलराउंडर की जगह में ही घुसना पड़ेगा। तो मुझे बॉलिंग पर काफ़ी यकीन है मेरे, ऑफकोर्स काफ़ी इम्प्रूव भी करने की काफ़ी चीज़ें जिसमें वर्क करूँगा मैं, बट आई वुड लाइक टू फोकस मोर ऑन माई बैटिंग ताकि मैं एक ऑलराउंडर के स्लॉट में घुस पाऊँ। समय में जो अपना पोजीशन संभाले हैं, सो क्या कहना है इनके बारे में? सिराज के साथ अभी पिछले 2-3 साल में काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ मैं, बहुत ही इमोशनल प्लेयर है वो, मतलब बहुत ही दिल से खेलते हैं, बहुत ही दिल से खेलते हैं, और जो बंदा दिल से खेलता है कि वो ही विल ऑलवेज गिव इज बेस्ट, तो काफ़ी अच्छा देते हैं अपना, और काफ़ी तेज़ है उनका निपिया एक्शन है, बाउंसर्स काफ़ी तेज़ डालते हैं और एक्यूरेट यॉर्कर्स है, तो टेल एंडर को एनी टाइम आउट करते हैं। तो आई फील कि अभी उनको ही अ लॉट मोर टू लर्न, जस्ट लाइक एनी अदर क्रिकेटर, सबको बहुत सीखना है, उसको भी सीखना है अभी और काफ़ी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो ऑलरेडी कंट्री को खेल चुके हैं और आगे भी खेलेंगे इंशाल्लाह, तो अभी ये IPL उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग के आपस में जब सिराज साहब के साथ आप रहते थे तो मतलब कितने मैच सिराज साहब के साथ आप खेले हैं, मतलब टूर्नामेंट जैसे हैदराबाद के लिए? आई थिंक एक 12-15 रणजी ट्रॉफी, 4-day रणजी ट्रॉफी मैचेस और काफ़ी वन डे विजय हजारे होता है, फिर T20 से मुश्ताक अली होता है इंटर स्टेट, हम लोग पिछले दो साल से काफ़ी पूरा हर टूर्नामेंट साथ में खेले हैं।